Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Poonam and in this video I'm going to share my interview experience along with questions at PwC India for Kolkata location. So this was for technology consulting department. Profile was SAP consultant. I think ये job मुझे naukri.com से ही पता चली. HR ने मुझे पहले contact किया था, ये पहले confirmation लिया था कि क्या मैं ready to relocate हूँ, क्योंकि मैं present थी गाज़ियाबाद में और ये job location थी Kolkata. So मैंने confirmation दे दी थी. उसके बाद she send me proper JD भेजा था. उसके बाद मैंने अपना resume वगैरह सब लगा के भेजा था. Then she fixed telephonic interview because हम दोनों different locations पे थे, face to face interview possible नहीं था, तो इसीलिए telephonic interview ही किया था. I don't know video call क्यों नहीं हुआ था. सो एच आर राउंड में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हुआ था, डायरेक्ट टेक्निकल राउंड हुआ था जो कि मैनेजर ने मेरा लिया था, मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही लिया था, जस्ट लाइक नॉर्मल कॉल. उसी पे सारे क्वेश्चंस पूछे थे. नाउ लेट्स जंप टू कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे. सो स्टार्टेड विद इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट. मुझे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स कॉल आया था. सी फॉर्म में जॉब कर रही थी तो इतने टाइम के लिए आप गायब रहते तो बाकी लोगों को फिर वैसे ही शक हो जाता है, और ऊपर से वहाँ एनवायरमेंट में एक पीसफुल स्पेस भी नहीं मिलता है जहाँ पे आप प्रॉपरली इंटरव्यू दे पाओ, एक दूसरे की बात समझ पाओ प्रॉपरली, बिकॉज टेलीफोन भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बात समझने में. एनीवेज मैंने जैसे तैसे सब मैनेज किया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी अबाउट आर्टिकलशिप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया. देन ही आस्क्ड मी डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड स्टैचुरी ऑडिट. तो बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज पी टू पी वाले चीज, दैट इज हाउ परचेज डिपार्टमेंट वर्क्स. प्रोक्योर टू पेमेंट पूरा एक्सप्लेन करना था प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज एरियाज इन स्टैचुरी ऑडिट ऑफ फिक्स असेट, जो कि मैंने ड्यूरिंग आर्टिकलशिप टच किया है. मैंने आर्टिकलशिप स्मॉल फॉर्म से करी थी तो वहां पे स्टैचुरी ऑडिट का क्या प्रोसेस रहता है आपको पता ही है. ऐसा एरिया वाइज एलोकेशन नहीं होता है, वहां पे पूरी कंपनी आपको दे दी जाती है और आप उसका स्टैचुरी ऑडिट करके बता देते हैं. लेकिन यहां पर ही वॉन्टेड टू नो कि मैंने कौन सा एरिया टच किया है फिक्स असेट्स में जिसका मैंने ऑडिट किया हो, लाइक मैंने एडिशंस का किया है या फिर सेल्स का किया या ओपनिंग बैलेंस चेक किया है. नर्वस तो मैं थी ही, लेकिन जो भी मैंने किया था वो ऑनेस्टली मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. देन ही आस्क्ड मी एरियाज इन स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यू वर्कड अपॉन. तो सेम सिमिलर केस था जैसे कि फिक्स असेट्स का था, तो जैसे मेरा था वो मैंने बता दिया. देन ही आस्क्ड मी एरियाज इन स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस यू वर्कड अपॉन. तो सेम स्मॉल फॉर्म में तो मैंने सारे ही एक्सपेंसेस का ऑडिट किया हुआ था, तो यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफिकली जानना चाहते थे वो कि मैंने कौन से एक्सपेंस का ऑडिट किया है, लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस या फिर कोई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या फाइनेंशियल एक्सपेंस. तो मैंने तो पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया था जो भी मैंने किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क मी मैंने पेबल्स के ऑडिट में कौन सा एरिया टच किया हुआ है. तो इसमें एक्सपेंस पेबल भी हो सकता है, अकाउंट्स पेबल भी हो सकता है, तो वो बेसिकली किसी एक का प्रोसेस मुझसे समझना चाहते थे. लेकिन क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही स्मॉल फॉर्म से था, तो मेरा एक्सपीरियंस भी लिमिटेड था, नॉलेज भी लिमिटेड था, जिस वजह से मेरा आंसर भी बहुत ही कम वर्ड्स में और जल्दी खत्म हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी हाउ डू यू रिकनसाइल फिक्स असेट्स. प्लीज इग्नोर दिस स्पेलिंग मिस्टेक. ही वॉन्टेड टू नो फिक्स असेट्स रिकनसिलेशन का क्या प्रोसेस है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ असेट्स को ट्रैक करना. एंड इसी के साथ में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था हाउ डू यू कंडक्ट ऑडिट ऑफ फिक्स असेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज हाउ डू यू वैलिडेट परचेजेस. जो भी कंपनी ने बुक्स में परचेजेस शो कर रखी है वो परचेजेस एक्चुअली में रियल है, फेक नहीं है, वो आप कैसे इंश्योर करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज हाउ वुड यू वेरीफाई दैट मशीनरी बींग एम्प्लॉयड इज सेम एज इन परचेज इनवॉइस. जो परचेज इनवॉइस है और जो एक्चुअल में मशीन है वो दोनों सेम है, ये आप कैसे इंश्योर करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्क मी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट जो होता है उसमें आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो असेट है और जो आपने बुक में असेट दिखा रखी है वो दोनों सेम है. सो उस टाइम मैंने पता नहीं क्या आंसर दिया, जैसे तैसे मैंने दे दिया था कुछ आंसर, लेकिन एक्चुअल में आई थिंक इसका आंसर इज समथिंग रिलेटेड टू टैगिंग ऑफ असेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क मी व्हाई यू वांट टू जॉइन एसएपी कंसल्टेंसी. एसएपी जॉब प्रोफाइल में मैं क्यों जाना चाहती हूँ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो एज सच कोई स्पेसिफिक आंसर मैंने प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज टू गिव आंसर एंड आई थिंक ही वॉज समवॉट सेटिस्फाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ विल यू गेन नॉलेज व्हेन यू हैव नो एक्सपीरियंस. हाउ वुड यू मैनेज. एक्चुअली मैं एक तो सीए फ्रेशर ही थी और मेरा स्टैट्यूटरी ऑडिट का कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं था, ऊपर से मैंने एसएपी देखा तक नहीं था, काम तो दूर की बात थी. सो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था जिसका मैंने आंसर समहाउ आई मैनेज टू गिव. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रैवलिंग. ये क्वेश्चन इसलिए था बिकॉज इस प्रोफाइल में आपको क्लाइंट प्लेस पे जाके फिर उनके रिक्वायरमेंट्स या फिर उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो देना पड़ सकता था, इसीलिए इसमें शायद ट्रैवलिंग इन्वॉल्व थी, दैट्स व्हाई ही आस्क्ड. सो फाइनली जैसे तैसे दिस इंटरव्यू एंडेड विद द लास्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन आई वॉन्टेड टू आस्क. सो जॉब प्रोफाइल के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज था नहीं और पता भी नहीं था आगे सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, बट स्टिल आई थॉट टू आस्क कि क्या कोई ट्रेनिंग हमें स्टार्टिंग में मिलेगी या फिर मेरे टीम में कितने लोग कितने मेंबर्स होंगे. जिसका आंसर उन्होंने दिया कि मुझको सब कुछ खुद से ही सीखना पड़ेगा, सिर्फ स्टार्टिंग की जो बेसिक चीज़ें होती है वही बताई जाएगी, बाकी आगे का प्रोसेस आपको खुद से R&D करके आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई भी हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा. 5, 10 या 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी इनिशियली, वो भी बेसिक चीज़ों पर, एंड उसके बाद आपको सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा.
एंड दैट्स हाउ टेक्निकल राउंड हैपन्ड. कुछ दिनों तक मुझे कॉल नहीं आया था. रियली रिग्रेटेड कि मैंने क्यों नहीं इंटरव्यू अच्छा दिया. बट आफ्टर वन वीक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम HR फॉर नेक्स्ट राउंड विच वॉर डायरेक्टर राउंड. सो इन्होंने ऑफिस आवर्स के अंदर ही रख दिया था एट 12 PM और गूगल हैंगआउट का इन्वाइट लिंक सेंड किया था विच मेंट कि ये वीडियो इंटरव्यू कॉल होने वाला था. बट इंटरव्यू वाला दिन आई हैड अ बैड डे. जिस टाइम मुझे ये कॉल आया उस टाइम मैं अपने बॉस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट काम करवा रही थी. दैट्स वाई आई कुडंट पिक द कॉल एंड आंसर. एट दैट मोमेंट मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे फ़ोन उठा के बाहर जाके बात करूँ. तो हैंगआउट से पहले डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन कॉल किया था. दो बार उन्होंने कॉल किया. उसके बाद HR ने मुझे कई बार कॉन्टैक्ट किया. लेकिन जैसे ही मैं फटाफट से फ्री हुई मैंने सबसे पहले उस नंबर पर कॉल बैक किया जो कि पिक नहीं हुआ. उसके बाद आई ट्राइड कॉलिंग HR. जैसे ही शी पिक्ड अप आई एक्सप्लेन हर माई सिचुएशन एंड रिक्वेस्टेड कि दोबारा कॉल बैक कर ले या फिर रीशेड्यूल कर दे इंटरव्यू. सो उन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन आज का जो टाइम था वो निकल चुका है तो आज तो नहीं होगा. तो मैं रीशेड्यूल करवाने की कोशिश करूंगी. लेकिन बिलीव मी आफ्टर दैट नथिंग हैपन्ड. मैंने कॉल करने की कोशिश करी कभी पिक नहीं हुआ एंड वहां से मुझे कभी रिवर्ट नहीं आया. इट वॉज माई बैड लक दैट आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी. ऑनेस्टली बताऊं अगर सब सही हुआ होता तो भी मैं शायद ये जॉब ज्वाइन नहीं करती बिकॉज ऑफ जॉब प्रोफाइल एंड जॉब लोकेशन. मैं सिर्फ इस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, देखना चाहती थी कि क्या मैं इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर सकती हूँ या नहीं. डायरेक्टर राउंड हो ही नहीं पाया. एनीवेज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन. सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर देन अ बिग थैंक्स टू यू.